हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स और मंकी रोप प्रॉब्लम्स। आज का आपका एनएलएम का लास्ट लेक्चर होगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आसान फिजिक्स को और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आपको गिवन है पहला एग्जाम्पल, क्या दिया गया है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज A hemispherical surface is placed in uniform electric field. A hemispherical surface placed in uniform electric field. ठीक है, uniform electric field acting as shown in figure. ठीक है, then calculate flux passing through पहला ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है base of hemisphere और सेकंड ऑप्शन है curved surface of hemisphere, ये आपको गिवन है, सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। फिर से सुनिए, मैं आपको हिंदी में बताता हूं ये क्या है। ध्यान दीजिए, क्या है? एक अर्ध गोलाकार सतह एक समान विद्युत क्षेत्र में चित्र अनुसार रखी है। तब उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो जब विद्युत क्षेत्र बेस के समांतर है, आधार के समांतर है और वक्र पृष्ठ के समांतर है। ठीक है, बेस तो मतलब आपको सॉरी क्या करना है बेस से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है और कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। आपको ये दो कंडीशन दी गई है, ये डायग्राम गिवन है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये आपको अर्ध गोलाकार सतह दी गई है। इस प्रकार की ये हेमिस्फेरिकल सरफेस गिवन है आपको, ये अर्ध गोलाकार सतह दी गई है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा है, एक कंडीशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बेस, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र दिया गया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, विद्युत क्षेत्र दिया है, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो आपको एक बार तो क्या करना है, बेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, बेस पर कैलकुलेट करना है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको यही ये फर्स्ट डायग्राम गिवन है, दूसरा डायग्राम क्या है इस प्रकार से, फिर से आपको हेमिस्फेरिकल सरफेस दी गई है। ठीक है, कैसी सरफेस गिवन है, हेमिस्फेरिकल सरफेस गिवन है, और दूसरी बार आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कैसे, फ्लक्स कैलकुलेट करना है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बेस, जब विद्युत क्षेत्र जो है इसके आधार के कैसे है, लंबवत है, इस प्रकार से। ठीक है, ये सेकंड डायग्राम गिवन है आपको। तो आपको इन दो कंडीशंस में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये दो स्थितियों में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और इधर ये अपवर्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आपको दो कंडीशन में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ आया? अब देखिए, इसमें हम दो कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ध्यान दीजिए क्या है, देखो इन दो स्थितियों में आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इन दोनों स्थितियों में हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है आपको, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम।
देखो पहले डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो आपको फ्लक्स हमने बताया था कि अगर आपने ध्यान से पढ़ाए हैं पुराने लेक्चर में कि जब भी किसी सतह को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं जिसके अंदर कोई आवेश ना हो, ये पॉइंट का ध्यान रखना, जब भी किसी सतह को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं जिसके अंदर कोई आवेश उपस्थित ना हो तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। जब भी किसी सतह को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और उसके अंदर कोई उस सतह के अंदर कोई बाह्य आवेश उपस्थित ना हो या अतिरिक्त आवेश उपस्थित ना हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब है कि इसका नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होना चाहिए। तो फाई नेट इक्वल टू तो कितनी सतह है? इस सरफेस को अपन कहते हैं कर्व्ड सरफेस, बक पृष्ठ। क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस, बक पृष्ठ। तो देखो यह आ जाएगा आपका फाई कर्व्ड सरफेस प्लस फाई बी बेस, ये आधार हो गया, बेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गई और ये इसकी कौन सी सरफेस हो गई? कर्व्ड सरफेस हो गई। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स तो जीरो होना है, टोटल फ्लक्स क्या होना है? जीरो। और टोटल फ्लक्स जीरो होने के लिए यहां पे क्या होगा? फाइव सी प्लस फाइव बी, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी है, तो कुल फ्लक्स तो क्या होगा इसका? जीरो होगा। कुल फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो कुल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब इस पे दो सरफेसेस हैं, ये तो इसका सर्कुलर सेक्शन हो गया, वृत्ताकार सतह हो गई, और ये इसका कर्व्ड सरफेस हो गया, वक्र पृष्ठ हो गई। सो आप इसको अगर ट्रांसफर करते हैं इधर की तरफ तो आपका जो कर्व्ड सरफेस आएगा तो यह जाएगा फाइव सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव बी, फाइव सी इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव बी। ये एक समीकरण हो गया। अब आपसे पूछा था पहले फ्लक्स पासिंग थ्रू किससे किससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए? इसकी इस सर्कुलर सेक्शन से, बेस से। पहले पूछा था फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस, इसके आधार से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए पहली कंडीशन में। तो बेस से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए तो हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेस पर, आधार पर आप क्या करेंगे? अभिलंब बनाएंगे। तो इस दिशा में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा आपका नॉर्मल एन केयर, ठीक है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस क्या होगा? अब देखो विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है और हमने पढ़ा था फॉर्मूला, पढ़ा था फाइव इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। क्या पढ़ा था? फाइव इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, और थीटा किस किस में एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब। अब विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो मैं कहूं यहां पे एंगल कितना बनाइए तो आप कहोगे 90 डिग्री। कितना एंगल बना ये वाला? 90 डिग्री। आप कहोगे कितना एंगल बना? किसी भी पॉइंट पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस कितना पास हो रहा है? इस आधार से फ्लक्स कितना निकल रहा है? तो आप लिखोगे फाई बेस इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई एस, ठीक है, ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? ई एस कॉस थीटा। तो ई एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस कितना आ जाएगा? जीरो। इसके आधार से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। आधार पर फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। ये समझ में आ गया। तो बेस का फ्लक्स शून्य हो गया तो इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो कर्व्ड सरफेस से भी जीरो हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। ये समझ आ गया। फिर से ध्यान दें, आपको ये हेमिस्फेरिकल सरफेस दी थी, अर्ध वृत्ताकार सतह दी थी, अर्ध वृत्ताकार गोला दिया था, या अर्ध गोला दिया था, सॉरी अर्ध गोला दिया हुआ था। इस अर्ध गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए था। तो जब भी इस अर्ध गोलाकार सतह को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा? जीरो। ठीक है ना, तो वो हमने लिखा। अब इसमें लेकिन नेट फ्लक्स जीरो हो गया, लेकिन कितनी सरफेसेस हैं? दो हैं। एक तो इसका ये सर्कुलर सेक्शन है और दूसरा ये कर्व्ड सरफेस है। एक तो इसका गोलीय सतह है, ये आधार कह सकते हैं जिसको आप, और ये इसका क्या है? बक पृष्ठ है। तो कुल जीरो हो गया, तो फाइव सी प्लस फाइव बी। अब आपने इसको इधर ट्रांसफर किया तो फाइव सी इक्वल टू माइनस फाइव बी। हमने किससे कैलकुलेट किया? बेस से कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लक्स, आधार से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो फाइव इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। तो आधार पर हमने क्या किया? अभिलंब बनाया, और अभिलंब सतह पर कैसे बनाते हैं? हमेशा बाहर की ओर। कैसे बनाते हैं? बाहर की ओर।
तो ये बाहर की ओर जब आपने अभिलंब बनाया तो एंगल बना 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फ्लक्स भी क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, कितना हो गया 0। अब ये वाली वैल्यू phi b की मैंने यहां रखी, तो यहां 0 है तो ये भी phi c भी क्या हो गया 0 हो गया, phi c भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ये पहली कंडीशन में हमने क्या कैलकुलेट किया, फ्लक्स का मान ज्ञात किया, किसको मान ज्ञात किया, विद्युत फ्लक्स का मान क्या किया फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए आपने पहली कंडीशन में फ्लक्स का मान ज्ञात किया, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट्स को देखते हैं, सेकंड पार्ट को देखेंगे, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कंडीशन में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, अगली स्थिति में भी ये डायग्राम गिवन है और आपको क्या करना है फिर से फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है फ्लक्स का। So, देखो इसमें भी कितने सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं, दो सतह हैं, एक तो क्या है इसकी ये कर्व सरफेस है, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसी डायरेक्शन में होगा, अभिलंब बनाओगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बनेगा एन के, ठीक है, और इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे की तरफ बनेगा सर्कुलर सेक्शन पे एन के। अब आपको यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने फिर से इसको ट्रांसफर किया, तो फाइव कर्व सरफेस नेट फ्लक्स इसमें भी जीरो होगा, परिणामी फ्लक्स इसमें भी जीरो होगा, क्योंकि ये सरफेसेस भी क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, ये सतह भी क्या है बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी है, और जब कोई सतह बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी होती है तो उसका कुल फ्लक्स कितना होता है जीरो जीरो, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा फाइव सी प्लस फाइव बी, इसको इधर ट्रांसफर किया तो फाइव सी इक्वल टू माइनस फाइव बी, पहली इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं बेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हमने लिखा फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस आधार से गुजरने वाला फ्लक्स, पासिंग थ्रू बेस फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस इसके आधार से गुजरने वाला फ्लक्स, तो कितना होगा फाइव बी बेस इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब नॉर्मल अवे दूर की तरफ ऐसे बनाया, बाहर की ओर बनाया हमने नॉर्मल, बाहर की ओर बनाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कितना एंगल बनाता है 180 डिग्री, देखो विद्युत क्षेत्र ऊपर अभिलंब नीचे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस ई एस। अब ये सर्कुलर सेक्शन है और सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार सतह है और वृत्ताकार सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो e इंटू पाई आर स्क्वायर, यदि इसकी त्रिज्या में r मान लूं, त्रिज्या कितनी है कैपिटल r, क्या जाएगा आपका माइनस पाई आर स्क्वायर e, इतना बेस से निकलेगा फ्लक्स, किससे निकलेगा आधार से, इतना फ्लक्स गुजरेगा किससे गुजरेगा आधार से, लेकिन आपको किससे चाहिए यहाँ पे कर्व सरफेस से चाहिए, तो कर्व सरफेस से कैलकुलेट करेंगे, वक्र पृष्ठ से कैलकुलेट करेंगे, तो फाइव सी इक्वल टू माइनस फाइव ई की वैल्यू क्या है माइनस पाई आर स्क्वायर ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ई, ये पॉजिटिव हो गया फाइव सी। अब ये अपन थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नॉर्मल बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एंगल जीरो डिग्री तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी सरफेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका नेट फ्लक्स जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सो व्हेनेवर एनी सरफेस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज जीरो, परिणामी फ्लक्स हमेशा शून्य होगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस से पूछ ले तो सिंपल बस आप नॉर्मल ड्रॉ करते जाओ और आंसर आता जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दो आंसर आ जाएगा, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक सरफेस है क्यूबिकल सरफेस है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यही पूछा गया है, क्या पूछा है कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, ठीक है कैलकुलेट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, क्या है एग्जाम्पल क्या है कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन फिगर, पासिंग
through given figure, passing through given figure, if क्या है, if electric field is along x-axis, electric field acting along x-axis, electric field acting along positive x-axis, along positive x-axis, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुने, क्या है, दिए गए चित्र से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, दिए गए चित्र से गुजरने वाला क्या ज्ञात करना है, कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। यदि विद्युत क्षेत्र उसके धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र कैसे है, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है, यह आपको कहा गया है। अब हम देखिए इसका डायग्राम आपको दे देते हैं, यह आपको चित्र दिया गया है जिससे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यह आपको एक डायग्राम गिवन है और इससे आपको क्या करना है, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस पर नेट फ्लक्स कितना पास होगा, इससे ये कैलकुलेट करके बताना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो देखिए ये आपको एक सरफेस गिवन है, ऐसी सरफेस है, ये क्यूबिकल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस है, और इस क्यूबिकल सरफेस से नेट फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, इस क्यूबिकल सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास होगा ये आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। देखिए ये इसके एक्सिस हो गए, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो ये तीन एक्सिस हो गए, तीन अक्ष हो गए, एक्स जेड एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस गिवन है इसकी, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। आपको क्या करना है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज कैलकुलेट करना है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट कर रही है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश दी गई है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश दी गई है और आपको क्या करना है, इसे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इसमें तीन सेक्शन है, एक तो इससे भी फ्लक्स निकलेगा, ये एक सरफेस, दूसरी सरफेस, तीन सरफेस, इसके पीछे चार और ये पांच, और एक ये आगे वाली छह, छह सरफेसेस हैं, इन छह सरफेसेस से टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। ये सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज जीरो, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस बिकम जीरो। बट हमको ये प्रूफ करके बताना होगा, बोर्ड में हमें क्या करना होगा, ये सॉल्व करके बताना होगा, फाउंडेशन में आया तो सिंपली आंसर इसका जीरो है, बिल्कुल सही है, आंसर क्या है, जीरो है। सर आपको इस डायग्राम में क्या करना है, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए नेट फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ, ये हमने इसकी सरफेस की जो लेंथ है वो ए हो गई, एक साइड की लेंथ जो है वो ए है। तो अब आप देखिए इस सरफेस से हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इनिशियली अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आप नॉर्मल भी तो सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इसी डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इस कंडीशन में दोनों कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल हो जाएंगे तो इस सरफेस पर देखिए हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए एन के, तो इस सरफेस ने एंगल कितना बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस में एंगल कितना है, जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री है, ठीक है, कितना एंगल है, जीरो डिग्री है। तो ये मैंने फर्स्ट सरफेस कह दिया, ये आपकी फर्स्ट सरफेस हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई। अब देखिए आपने इस पे सरफेस पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई वन, फर्स्ट सरफेस कह दिया मैंने ये फाई वन इक्वल टू क्या आएगा, फाई वन इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री होगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो आप क्या लिखेंगे, ई एस, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है ई। अब सरफेस एरिया, ये कैसी सरफेस है, इसकी वर्गाकार सतह है तो स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा, ये घन है, क्या है, सॉरी क्या है, ये घन है, क्या है, घन, घन है तो एक सतह कैसे होगी, स्क्वायर फॉर्म में होगी, वर्गाकार रूप में होगी, तो सरफेस एरिया ऑफ
स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर दिया जाएगा ई ए स्क्वायर। ये समझ आ गया फर्स्ट सरफेस के लिए। अब अगर मैं इसके अपोजिट सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, पहले सारी सरफेसेस समझ लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सरफेस पर, ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ये क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और इस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इस सरफेस पर तो इधर होगा, तो दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है, कैसे हो गए एंटी पैरेलल, प्रति समांतर हो गए। एक मैं समझ लो सारे, फिर मैं समझा दूंगा और भी कई सारे क्वेश्चंस करने हमको। देखो पहली सरफेस हमने ये लिखी है, ये वाली सरफेस हो गई फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस हो गई, और अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया अभिलंब हो गया, कितना कोण बनाया दोनों ने जीरो डिग्री, कितना कोण बनाया यहाँ पे जीरो डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके अपोजिट सरफेस को देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, इधर ये नॉर्मल हो गया सरफेस का, ये सरफेस पे क्या हो गया नॉर्मल हो गया। अब मैंने इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वो था एंटी पैरेलल, प्रति समांतर है, कोण कितना बना 180 डिग्री। अब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो दोनों कैसे हो गए परपेंडिकुलर हो गए, और कोण एंगल कितना बना 90 डिग्री। इस सरफेस पर भी एंगल कितना बना 90 डिग्री, इस सरफेस पर भी एंगल कितना बना इसके अपोजिट में 90, इसके नीचे कितना बना 90। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इस पर 90, इस पर 90, इस सरफेस पर 90 और इधर वाली सरफेस पर 90, तो ये सब जीरो हो गए। इस सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जीरो डिग्री ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में इसका क्या बनेगा नॉर्मल बनेगा इसी दिशा में, तो एंगल कितना जीरो डिग्री। अब इधर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है, हमने इस पर नॉर्मल बनाया तो इधर बना 180 डिग्री, कितना बना एंगल 180 डिग्री। मतलब ये और ये सरफेसेस काम की है, मैं अगर फील्ड कैलकुलेट करनी है तो ये तो सभी जीरो हो जाएंगे। आपको पता है क्यों, क्योंकि एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा एंगल, और अगर 90 डिग्री एंगल बना तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इन सरफेसेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट सरफेस मैंने कंसिडर कर ली, ये फर्स्ट सरफेस है, इसको मैंने सेकंड सरफेस कह दिया, इसको थर्ड सरफेस कह दिया, इसके सामने वाली फोर्थ हो जाएगी, ये फोर्थ सरफेस हो गई, इसके पीछे वाली जो है वो फिफ्थ सरफेस हो जाएगी, पीछे बनेगी ना इसके, और ये नीचे वाली सिक्स सरफेस हो गई, छह सरफेसेस हो गई इसकी। देखो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड और ये आगे वाली फोर्थ हो गई, इसके पीछे वाली फिफ्थ हो गई, नीचे वाली सिक्स हो गई। अब आप देखें तो फ्लक्स पहली सरफेस से इतना आया, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड सरफेस पाई ई टू, ठीक है, दूसरी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इस पर आप नॉर्मल ऐसे तो ड्रॉ करोगे ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने एन के, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिखेंगे फाई इक्वल टू ई एस कॉस 90, क्या लिखेंगे फाई इक्वल टू ई एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी जीरो। नेक्स्ट देखो अगली सरफेस से फाई ई थ्री, फाई ई थ्री देखेंगे थर्ड सरफेस के लिए, तो थर्ड सरफेस पर देखो नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे अभिलंब जो बनाएंगे वो इस दिशा में बनेगा, इस दिशा में बनेगा अभिलंब एम के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और नॉर्मल इधर है, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री, कितना बना 180 डिग्री, क्योंकि फ्लक्स में अपन ने पढ़ा था थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉर्मल हमेशा कैसे बनाते हैं अभिलंब कैसे बनाते हैं सतह से बाहर की ओर, जैसे ये सतह है तो अभिलंब बाहर की ओर, इस पर बाहर की ओर, इस पर बाहर की ओर, तो इस तरह से हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -es, अब स्क्वायर सरफेस है तो ये क्या हो जाएगा -ea स्क्वायर। थर्ड सरफेस हो गई, फोर्थ सरफेस की बात करें तो ये नॉर्मल ऐसे बनेगा, ऐसे इधर बाहर की तरफ ऐसे बनेगा नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो हम फोर्थ सरफेस की बात करें तो फाई ई फोर क्या आएगा ई एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो फ्लक्स कितना हो गया जीरो हो गया, फ्लक्स कितना हो गया जीरो हो गया।
ये चार सरफेसेस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। फिफ्थ सरफेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें नॉर्मल बाहर, फिफ्थ सरफेस में इनसाइड अंदर की तरफ बनेगा, तो उसके लिए भी आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे फिफ्थ सरफेस के लिए, तो आप क्या लिखोगे फाई फाई, तो क्या हो जाएगा ES cos 90, और फिर से cos 90 की वैल्यू क्या बनी आपके पास में जीरो, तो फ्लक्स जीरो, और लास्ट है फाई ई सिक्स, सिक्स तो सरफेस क्या है नीचे वाली, तो नॉर्मल डाउनवर्ड ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा इस पे नॉर्मल। अब ये 3D डायग्राम है समझना, नीचे की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नॉर्मल डाउनवर्ड है, फिर से एंगल 90 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे ES cos 90, क्या लिखोगे ES cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब आपको इससे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो ये जितने भी फ्लक्स आपने निकाले हैं उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस क्या लिखेंगे हम, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इस बंद सतह से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा हमको ये कैलकुलेट करना है। अगर आप बंद सतह से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, तो कितना पास होगा, ध्यान दीजिए नेट फ्लक्स कितना पास होगा इस क्लोज सरफेस से, तो आप लिखेंगे फाई नेट इज इक्वल टू फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री प्लस फाई ई फोर प्लस फाई ई फाइव प्लस फाई ई सिक्स, ये नेट फ्लक्स आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखें, आप सबके क्या रखें यहाँ पे वैल्यू रखें, मान रखें, तो आपकी पहली वैल्यू क्या आई थी ई ए स्क्वायर, दूसरी क्या है जीरो प्लस, थर्ड क्या है माइनस ई ए स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब ये आपका प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस प्लस है और ये माइनस है, तो नेट फ्लक्स क्या आ गया जीरो। तो आपने क्या पढ़ा, जब भी कोई सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या होता है जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म हो, कैसे हो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ये बात समझ में आई। अगर कोई सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो उससे जो नेट फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो। देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्या है, अ क्यूब इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई नॉट इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ई नॉट इक्वल टू 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब। आपको क्या कहा है, एक घन है, एक घन एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप में स्थित है, ठीक है, घन की भुजा A बराबर 1 सेंटीमीटर है और E नॉट बराबर 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर है, तब इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और इसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा केस थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, लेकिन हम इसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैंने इसको ई नॉट वेक्टर सॉरी ई कैप लिख दिया। अब आप देखिए कितनी सरफेसेस हो गई, ए बी सी डी, ये तो फर्स्ट सरफेस हो गई, ठीक है, ई एफ जी एच या ओ कह दो, ये सरफेसेस हो गई इसकी सारी। अब देखिए आप यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस सरफेस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस पर, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा एन केयर, एंगल कितना बना जीरो डिग्री। मैं अगर इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो आपका एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, अभिलंब बनाता हूं। इस सरफेस पर नॉर्मल आप ऊपर की तरफ बनाएंगे नॉर्मल, तो एन केयर 90 डिग्री, इस सरफेस पर आप नॉर्मल बनाओगे तो डाउनवर्ड बनेगा एन केयर फिर से 90 डिग्री, इस पर बताया था बाहर की तरफ बनेगा उस वाली सतह पर अंदर की तरफ बनेगा। तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, क्या लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, तो हमने लिखा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
पासिंग थ्रू क्यू, इस घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, पासिंग थ्रू क्यू, घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा घन से गुजरने वाला, फाई इक्वल टू, एक तो इस सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा तो हम क्या लिखेंगे फाई फ्लक्स, कौन सी सरफेस के लिए, ए बी सी डी, पहली सरफेस हो गई फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ए बी सी डी, दूसरी सरफेस क्या हो गई आपकी फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, कौन सी सरफेस हो गई, आप सेकेंड सरफेस लिखें ए बी, ए बी ठीक है, जी एफ, जी एफ ठीक है, सेकेंड सरफेस हो गई, प्लस थर्ड सरफेस क्या लिखेंगे आप, प्लस ये फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सरफेस क्या लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ओ ई एफ जी, ओ ई एफ जी कितनी हो गई, तीन सरफेस हो गई, एक दो तीन, फोर्थ सरफेस क्या है फ्लक्स पासिंग थ्रू, प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस कौन सी है ओ ई, ओ ई डी सी, ये सरफेस हो गई ओ ई डी सी। अब आपके पास दो सरफेस बची हैं जिससे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कितनी सरफेसेस हैं, टू सरफेसेस हैं, एक सरफेस तो कौन सी हो गई फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ए एफ, क्या है ए एफ ई डी, ए एफ ई डी, प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस पीछे वाली कितनी है, तो फाई ओ सी, ओ सी बी जी, ओ सी बी जी, एक सरफेस कौन सी है ओ सी बी जी, ये समझ आ गया। अच्छा अब हम देखें इन सभी को सॉल्व करते हैं, ठीक है आप इन सभी को सॉल्व करें, ये एक्स एक्सिस है तो पहली सरफेस से एक एक सरफेस सॉल्व करते हैं, इस फर्स्ट सरफेस की बात करें, फर्स्ट सरफेस की तो आपका फ्लक्स कितना पास होगा यहां से, तो आप लिखेंगे ई एस, सरफेस क्या है ई एस ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, किस सरफेस के लिए, कौन सी सरफेस है आपकी, कौन सी सरफेस है ए बी सी डी, इस सरफेस की बात कर रहे हैं अभी हम, कौन से सरफेस की ए बी सी डी की, प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, अब हम किस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, किस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं ए बी जी एफ, नेक्स्ट प्लस ई डॉट एस वेक्टर, अब कौन सी सरफेस है ओ ई एफ जी, प्लस नेक्स्ट क्या है ई डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कौन सी सरफेस है ओ ई डी सी, प्लस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कौन सी सरफेस है ए एफ ई डी, ए एफ ई डी, प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ओ सी बी जी, ओ सी बी जी, ये आपकी सारी सरफेसेस लिख दी। अब हमको क्या करना है इनसे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इन सभी सरफेसेस से क्या करना है फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दीजिए फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सरफेसेस से फ्लक्स कैसे पास होता है इन सरफेसेस से, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस क्या कंडीशन बनती है ये हमको कैलकुलेट करना है, तो आप उसके लिए एक चीज को याद रखिए, आपको एक चीज याद रखनी होगी क्या, कि आपको जो E वेक्टर गिवन था वो था E नॉट X I कैप, और A इक्वल टू क्या था 1 सेंटीमीटर, ठीक है E नॉट X I कैप A इक्वल टू क्या था 1 सेंटीमीटर। अब पहले तो हम इसको सॉल्व करें, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा फाई इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू, पहली सरफेस ए बी सी डी की बात करें तो ये दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या बन रहा है, ये वाला सेक्शन क्या बन रहा है स्क्वायर, क्या बन रहा है स्क्वायर, क्या बन रहा है वर्ग, और वर्ग का सरफेस एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, तो आप चाहें तो इनका पहले एंगल सॉल्व कर दें, तो हमने क्या लिखा इसको ई वेक्टर को क्या लिखा ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है ई नॉट एक्स आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप,
ये पहली सरफेस हो गई, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आपने क्या दिया ए स्क्वायर आई कैप प्लस, ये समझ आया। ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, देखो ई वेक्टर की ई नॉट एक्स आई कैप और सरफेस एरिया, कौन सी सरफेस है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ए स्क्वायर आई कैप। दूसरे सरफेस की बात करें ई डॉट एस, कौन सी सरफेस है ए बी जी एफ, ए बी जी एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ई एस कॉस 90, तो ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो गया, ई एस कॉस 90, तो ये वाला ए बी जी एफ ये क्या हो गया आपका जीरो डिग्री हो गया, ये ठीक है ये जीरो हो गया, या आप ऐसे चाहें तो ये कौन से एक्सिस के अलोंग है, कौन से एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है जे कैप, क्या आएगा इसमें जे कैप, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व करके लिखें, अगर पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको ई वेक्टर की वैल्यू लिखनी होगी यहां पे क्या ई नॉट एक्स आई कैप डॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर जे कैप, ए स्क्वायर जे कैप ए बी जी एफ, ए बी जी एफ प्लस, ठीक है प्लस। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका ABGF के बाद OEFG, OEFG इधर की तरफ, तो आपका जो E वेक्टर की वैल्यू है, अब आप इसको हम वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, एंगल से नहीं, किससे सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, तो E वेक्टर की वैल्यू क्या है E नॉट X I कैप डॉट, S क्या है A स्क्वायर माइनस I कैप, A स्क्वायर माइनस I कैप, ये हमने इधर की तरफ नेगेटिव, क्या होगा इधर की तरफ माइनस आई कैप, आपने पढ़ा है ना आई जे के, इधर आई कैप इधर माइनस आई, जे कैप नीचे माइनस जे, आगे की तरफ के कैप पीछे की तरफ माइनस के कैप, ठीक है। तो ये आपका कौन सी सरफेस हो गई ओ ई एफ जी, ओ ई एफ जी। फिर देखिए इस सरफेस की बात करें तो प्लस, नेक्स्ट सरफेस क्या है ओ ई डी सी, ओ ई डी सी डाउनवर्ड वाली है, नीचे की तरफ जा रहे हैं अपन, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपने E वेक्टर की वैल्यू क्या लिखी E नॉट X I कैप डॉट A स्क्वायर माइनस J कैप, ठीक है। कौन सी सरफेसेस है ये आपके पास O E D C, कौन सी है O E D C प्लस। नेक्स्ट सरफेस क्या है A F E D, क्या है A F E D, ये सरफेसेस है ए एफ ई डी, ठीक है ए एफ सॉरी ए एफ ई डी, ये बाहर वाली सरफेस है जेड एक्सिस वाली, तो आपने क्या लिखा इसको ई वेक्टर को क्या लिखा ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप डॉट, बाहर वाली है ना, तो आप क्या लिखेंगे ए स्क्वायर के कैप, ए स्क्वायर के कैप, कौन सी सरफेसेस है A F E D, A F E D प्लस। लास्ट टर्म क्या आएगा आपके पास में, लास्ट टर्म क्या आएगा O C B G, O C B G इसके बैक वाली, तो आप क्या लिखेंगे उसमें E वेक्टर की वैल्यू है E नॉट X I कैप डॉट A स्क्वायर माइनस K कैप, ठीक है। और ये क्या है आपका O C B G, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो गया, क्या हो गया बिल्कुल सिंपल हो गया, कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करें phi इक्वल टू आई डॉट आई कितना 1, आई डॉट आई कितना 1, तो आपका क्या हो गया ये e नॉट x a स्क्वायर, ठीक है प्लस आई डॉट जी कितना 0, आई डॉट I डॉट I कितना, तो ये आपका आ जाएगा माइनस E नॉट X A स्क्वायर, माइनस E नॉट X A स्क्वायर। इस टर्म की बात करें तो I डॉट G कितना हो जाएगा 0, इसकी बात करें तो I डॉट K कितना 0, इसकी बात करें तो I डॉट K कितना 0, ये समझ आ गया। देखिए सिंपल है, इधर I कैप होता है, ऊपर J कैप होता है, और इधर की तरफ K कैप होता है, बाहर की तरफ K कैप होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे टर्म आ गए।
अब आप देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर ध्यान दीजिए, बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। ये आपको जो कंडीशन दी थी E नॉट एक्स आई कैप, क्या गिवन थी? E नॉट एक्स आई कैप, इसका मतलब है x डायरेक्शन में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। x अक्ष की दिशा में दूरी का मान बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप a लिखोगे, x की वैल्यू a लिखोगे, फिर 2a लिखोगे तो दोगुनी हो गई पहले से, फिर 3a लिखोगे तो तीन गुनी होगी। इसका मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, तीसरी बात, ये जो सरफेस आपने बनाई है ये कहां है? ओरिजिन पर है। ये वाली सरफेस, ये सतह कहां है? ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है। कहां है? मूल बिंदु पर है। तो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सरफेस की तो है, इसी सरफेस की तो है। देखो आपने क्या लिखा था, ये वाली सरफेस ओ ई एफ जी, यही तो है ओ ई एफ जी। तो ये तो आपकी ओरिजिन पर रखी है, ओरिजिन पर रखी है, तो यहां एक्स की वैल्यू क्या होगी? इस ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक्स की वैल्यू यहां पर क्या होगी? इस पॉइंट पर जीरो। लेकिन आप यहां देखो, ओरिजिन से यहां तक गए इस सी पॉइंट तक, तो आप ए जो आप बात कर रहे हो ए बी सी डी, ये आपने जो कैलकुलेट किया है सरफेस कौन सी थी? ये ए बी सी डी, कौन सी थी? ए बी सी डी, ये सरफेस थी। तो और मूल बिंदु तो ये हो गया, तो आप यहां तक गए तो कितना चले? ए। कितना चले? ए। ए चले, तो देखो ध्यान रखना, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा E नॉट A इंटू ए स्क्वायर, ये सभी जीरो हो गए, माइनस ये तो जीरो जुड़ेगा तो यही आ जाएगा माइनस। इस x की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये वाली जो सरफेस है वो कहां रखी है? ओरिजिन पर, तो मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर x की वैल्यू जीरो, तो विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र भी यहां पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये समझ आ, देखिए इतना समझ आ गया। अब आप ये वाला टर्म आपका कितना हो गया? जीरो हो गया, तो आपका फ्लक्स कितना आ गया? फाई इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करें तो E नॉट A क्यूब, और ये जीरो हो गया, E नॉट A क्यूब ये जीरो हो गया। अब E नॉट की वैल्यू क्या थी आपके पास में? E नॉट की वैल्यू थी 2.5 10 की पावर 5, क्या थी? 2.5 10 की पावर 5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपके पास में, न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर, ये गिवन थी, ये गिवन थी। तो इसका मान रखें, आप वैल्यू रखें, E नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास में? 2.5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, ये तो हो गई E नॉट की वैल्यू। फिर हमको किसकी रखनी है इसके बाद, और किसकी वैल्यू रखनी है? A की। A क्या था आपका? 1 सेंटीमीटर, हमने लिखा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इसका क्यूब, 1 सेंटीमीटर था तो इसको सॉल्व कर दिया, तो आ गया आपका कितना? 2.5 10 की पावर 5, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब करोगे तो 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, ये प्लस 5 से ये माइनस 6 कैंसिल हुआ तो 10 की पावर रह गई माइनस 1। तो आपने फाइनली क्या कैलकुलेट किया? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब 10 की पावर माइनस 1 को अपॉन में रख के डिवाइड लगाओगे तो 0.25, फ्लक्स कितना आ गया? 0.25, क्या? बोल्ट इनटू मीटर, 0.25 बोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया? फ्लक्स। अब आपको इसमें साथ में क्या कैलकुलेट करना था? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सतह के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा, क्या करना था? सतह के अंदर उपस्थित किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा। तो देखिए सतह के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा अगर आपको ज्ञात करनी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस टर्म को, ठीक है। तो फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, चार्ज एनक्लोज सरफेस कैलकुलेट करना है, फ्लक्स आ गया आपके पास में, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स के बाद अगर आप चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए, चार्ज के लिए, आवेश के लिए आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पाया, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, इसका मल्टीप्लाई करो तो क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई, ठीक है, फाई की वैल्यू रखें यहां से, और एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 10 की पावर माइनस 12, और ये कितना है? 0.25 मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। तो कितना आया?
इसका मल्टीप्लाई करें तो 125 पारा, ठीक है, 200 और 12 कितना हो गया, 212, 21 आ गया, तो 221, ठीक है, कितने के बाद है, 4 के बाद डेसिमल है तो आपने लगा दिया, इनटू 10 की पावर माइनस 12, तो फाइनल चार्ज की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2.2 10 की पावर माइनस 12 कूलाम और 2.2 पिको कूलाम, 2.2 पिको कूलाम, ऐसे हमको ये सॉल्व करना है। अब देखिए अगर ये प्रॉब्लम आपकी आईआईटी या जेईई आईआईटी या नीट में आ गई तो हम इतना बड़ा थोड़ी सॉल्व करेंगे, टाइम ही नहीं होता है। तो देखिए सिंपली हमको सॉल्व ही नहीं करना है, ये टर्म आगे वाला पीछे वाला सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि हमको पता है कि वो जीरो होता है, तो हम केवल दो ही टर्म सॉल्व करेंगे, ये राइट साइड और वो लेफ्ट साइड, दो ही टर्म सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना दो ही टर्म सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब देखिए इसकी अप्रोच बोर्ड में तो ऐसी होगी, लेकिन अगर हम फाउंडेशन में यही प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अप्रोच क्या होनी चाहिए वो ध्यान दें, सेम प्रॉब्लम को अगर हम फाउंडेशन में सॉल्व करते हैं, बोर्ड में नहीं फाउंडेशन में सॉल्व करते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ध्यान दीजिए, टोटल प्लस फाइ इक्वल टू फाइ लेफ्ट प्लस फाइ राइट, ये दो सर्फेसेस हो गए, ये लेफ्ट में एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, प्लस लेफ्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये क्या हो गया राइट, दो टर्म में ही सॉल्व हो गया। अब e की वैल्यू रखें आप, तो e की वैल्यू क्या है आपके पास में, e नॉट x i कैप डॉट a स्क्वायर i कैप डॉट प्रोडक्ट से, ये लेफ्ट वाला टर्म है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि ये मूल बिंदु पर है, ओरिजिन पर है, तो आप क्या लिखेंगे, e नॉट x की वैल्यू क्या है, 0 i कैप डॉट a स्क्वायर माइनस i कैप, ये टर्म हो जाएगा, ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो ये टर्म तो आपका क्या आ गया 0, और ये i नॉट i 1, तो ये क्या बच गया, e नॉट x a स्क्वायर। अब इधर से आप इधर को चलेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, a, तो a वैल्यू पुट करें तो e नॉट a इनटू a स्क्वायर, तो a नॉट a क्यूब, फाइनली आपने देखी ये फिर हमें सॉल्व कैसे करना होता, तो ये फ्लक्स आ गया, तो बात समझ में आ गई। तो देखिए बच्चों एक आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये प्रॉब्लम गिवन है, क्या है क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ साइड ए प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ये आपको एक चित्र दिया गया है, एक फिगर गिवन है, इससे गुजरने वाला आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, क्या कहा है, एक घन है जिसकी भुजा a है, ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र e वेक्टर इक्वल टू e नॉट x i कैप में स्थित है जैसा चित्र में दर्शाया गया है, तब इससे गुजरने वाला, इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। अब देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, x एक्सिस के अलोंग है, x अक्ष के अनुदिश है, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, कहां, x अक्ष के अनुदिश, और x अक्ष के अनुदिश हो गया, तो इसको हमने क्या लिखा, e नॉट इक्वल टू E not x i cap, क्या हो गया, E not vector, E vector equal to E not x i cap, ये x axis के along है। अब हमने बताया था कि अगर electric field ऐसे है तो आप इस पर normal भी बनाओगे, तो normal इसी direction में बनेगा, same direction में क्या बनेगा, n cap, अच्छा इस सरफेस पे upward normal बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ n cap, ठीक है, इस सरफेस पर इधर की तरफ बनेगा n cap, हमेशा अभिलंब कैसे बनाते हैं, नॉर्मल कैसे बनाते हैं, अवे फ्रॉम द सरफेस, पृष्ठ से बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो ये एक और नॉर्मल बन गया, ये n कैप, ये समझ आया, सेम इस सरफेस पर इधर की तरफ और पीछे वाली पर उधर की तरफ, ध्यान दीजिए फिर से, हमने बताया था आपको अगर ये प्रॉब्लम कंपटीशन में आती है, आईआईटी या नीट में आती है, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये आपका क्यूब हो गया, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इधर क्या है विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, और इस पर मैं अगर अभिलंब बनाता हूं तो इसी दिशा में बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, अभिलंब भी इसी दिशा में, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए समांतर, दोनों कैसे हो गए समांतर, और समांतर हो गए तो कोण कितना बना 0 डिग्री। दूसरा देखो इस वाली सरफेस पर नॉर्मल आप इधर बनाओगे, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो कैसे हो गए प्रति समांतर, इस सरफेस पर नॉर्मल ऐसे बनाओगे विद्युत क्षेत्र इधर है कैसे हो गए लंबवत, इस सरफेस पर भी लंबवत, इस पर भी लंबवत और नीचे वाले पे भी लंबवत। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि आपको केवल दो ही सेक्शन सॉल्व करने हैं, एक तो ये वाला सेक्शन लेफ्ट और ये राइट,
तो हम क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, पासिंग थ्रू सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, कुल विद्युत फ्लक्स। अब अगर पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है तो हमने क्या लिखा, phi equal to left plus flux किसका, right का, left दो ही सेक्शन सॉल्व करने, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट सेक्शन बाईं ओर से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस दाईं ओर से गुजरने वाला फ्लक्स। अब ध्यान दें तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे आप, तो टोटल फ्लक्स में फ्लक्स ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन हो गई, तो हमने यहां पे क्या लिखा, फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट, फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट, बाईं ओर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई एल बराबर क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्या पढ़ा है आपने फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अच्छा ये कौन सा सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन है, कौन सा है, लेफ्ट, ध्यान दें अब, तो आपने ई वेक्टर की वैल्यू लिखी, ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, ई नॉट एक्स आई कैप, ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, ई नॉट एक्स आई कैप डॉट किसके लिए, एस वेक्टर के लिए, इसका सरफेस एरिया ये क्या बन रहा है आपका, वर्ग, क्या है आपका, स्क्वायर, स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर इनटू आई कैप, गुणा करें इसका, गुणा करें तो ये बनेगा आपका क्या, ई नॉट एक्स ए स्क्वायर, आई डॉट आई कितना हो गया, एक, आई डॉट आई कितना हो गया, एक। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, यहां पे विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान नहीं है, कैसा है, परिवर्तनशील है, कैसे परिवर्तनशील, अगर हम इस दिशा में जाते हैं, देखो एक्स अक्ष की दिशा में जाते हैं तो यहां पे ए है डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक की ए और चले तो कितनी हो गई, ए प्लस ए कितनी हो गई, टू ए। अरे ये इसका जो मूल बिंदु है ना, इसका मूल बिंदु है, इस घन जो रखा है वो मूल बिंदु से कितने पर रखा है, ए दूरी पर रखा है, घन मूल बिंदु से ए दूरी पर रखा है, घन मूल बिंदु से कितने पर रखा है, ए दूरी पर, तो ए और ए कितना हो गया, 2a, कितना हो गया, 2a, तो लेफ्ट साइड में आप x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2a, x की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2a, ये बात समझ में आ गई। अरे विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज विद x, ये क्या कर रहा है, x के साथ परिवर्तित हो रहा है, x के साथ बदल रहा है, x की वैल्यू ये a इस सेक्शन से निकाल रहा है ना, लेफ्ट सेक्शन से इससे कैलकुलेट कर रहे हैं अभी हम, इस लेफ्ट से, तो ये दूरी कितनी हो गई, a, और ये कितनी हो गई, a, तो टोटल कितनी, 2a, तो आपने क्या लिखा, e not 2a into a square, तो आपका जो लेफ्ट सेक्शन से फ्लक्स गुजरेगा, phi a equal to, गुणा करें, 2e not a cube, कितना आ जाएगा, 2e not a cube, तो आपका ये लेफ्ट वाला जो फ्लक्स आया है उसको आप नोट कर लें, जो लेफ्ट सेक्शन से फ्लक्स आया phi n बराबर 2 e नॉट a क्यूब, ये लेफ्ट सेक्शन से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट सेक्शन, आपको अब किससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इसके राइट सेक्शन से, तो राइट सेक्शन से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम, अब कौन से सेक्शन से करते हैं, राइट सेक्शन से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट, फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट, तो इसके राइट सेक्शन से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, कौन से सेक्शन से, राइट सेक्शन से जो फ्लक्स पास होगा, कौन से सेक्शन से, राइट से जो फ्लक्स पास होगा उसको आप कैलकुलेट करके बताएंगे, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट, तो दाईं ओर से कितना फ्लक्स पास होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट, तो राइट से कितना आ जाएगा, फाई आर इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसके लिए राइट सेक्शन के लिए। अच्छा वैल्यू रखते हैं तो phi r is equal to e vector, e vector क्या है, e not x i cap dot, e not x i cap dot, इस अब ये राइट सेक्शन, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, a square, सरफेस एरिया क्या होगा, a square, ठीक है, लेकिन आपने नॉर्मल इधर बनाया तो ये वाली सरफेस का,
ये इधर रखा है तो ये वाली सरफेस पर एक तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। या तो आप एंगल से सॉल्व कर दो, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एंगल नॉर्मल इधर है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और नॉर्मल इस दिशा में, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ES cos 180 डिग्री। दूसरा तरीका है a स्क्वायर माइनस i के, क्योंकि हम इसका मूल बिंदु कहां मानेंगे यहां पर, और मूल बिंदु से इधर की तरफ चल रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया इसका, इधर की तरफ चल रहे हैं तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इसके रेफरेंस फ्रेम से नहीं, इस क्यूब के रेफरेंस फ्रेम से देखो ना, ये रखा है तो ये इधर की तरफ तो पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, तो हमने माइनस i के। आगे इसको सॉल्व करो तो जाएगा e नॉट x a स्क्वायर i डॉट i कितना माइनस वन। अब x की वैल्यू चाहिए तो मूल बिंदु ये हो गया, और x की वैल्यू कितनी है इधर जा रहा है x एक्सिस की तरफ, तो इस सरफेस के लिए कितनी है a, कितनी है a, तो आपका यहां पर जो x की वैल्यू है वो a के इक्वल है, तो आप राइट में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा e नॉट सॉरी माइनस E not A into A square, तो सॉल्व करके क्या बना माइनस का E not A cube, क्या बना माइनस का E not A cube, ठीक है। तो आपने लिखा था टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, ये नोट कर लो, ये नोट कर सकते हो आप, तो हमने क्या करना है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हमको ये कैलकुलेट करना है, तो हमने इसमें वैल्यू रखी सभी की, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा phi is equal to 2 E not A cube minus E not A cube, ये 2 E not A cube minus E not A cube, तो फ्लक्स कितना आ गया phi equal to घटाएं इसको E not A cube, कितना आ गया E not A cube, तो this is the final answer। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही हो एक्सिस के साथ में, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ में आ रही, आप एंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दो i कैप को हटा के क्या लिखोगे e नॉट x, क्या लिखोगे e नॉट x a स्क्वायर cos 0 डिग्री, e नॉट x a स्क्वायर cos 0 डिग्री, उधर क्या लिखोगे e नॉट x, ठीक है a स्क्वायर cos 180 डिग्री, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे मतलब आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, आप वेक्टर अप्रोच से भी कर सकते हैं, सिंपली आप फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, आप ऐसे एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो E नॉट x, आप i कैप नहीं लिखेंगे आप उसमें, अगर एंगल साथ में लिखोगे तो E नॉट x a स्क्वायर, क्योंकि E वेक्टर डॉट s वेक्टर होता है ना, तो a स्क्वायर E नॉट x a स्क्वायर cos 0, इधर के लिए लिखोगे तो E नॉट x a स्क्वायर cos 180, तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक फिर से लेके आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।